बुरहानपुर में पुलिस ने 21 दिन में पैसे डबल कर देने का झांसा देने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिशान अंसारी के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में कई लोगों ने रुपए ऐंठने का मामला दर्ज कराया था। आरोपी के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, पैसों से भरा हुआ बैग, डायरी और रजिस्टर बरामद किए, जिसके करीब 4 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है। आरोपी लोगों को 21 दिन में पैसे डबल करने का लालच देता था और बाद में लोगों के रुपए लेकर फरार हो जाता था। लोगों की शिकायत पर शातिल जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया था कि हम लोगों से जो है वो पैसे लिए गए डबल करने के नाम पे, और 2-3 बार हम लोगों को डबल करके दिया गया और उसके बाद हमारे धोखाधड़ी हुई है। उसी तारतम्य में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया लालबाग थाने के अंतर्गत 420 का, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जफर अंसारी करके व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके द्वारा इस तरीके का धोखाधड़ी, जो पैसों को डबलिंग करने का एक स्कीम बनाते हुए काफ़ी लोगों से इस तरीके से धोखाधड़ी की हुई है। अभी हम लोगों ने जो है वो उसे लगभग 8 लाख के आसपास का कैश जब्त किया है और साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी जब्त किए हैं और लैपटॉप भी जब्त किया है। फरियादी जो है वो अभी हमारे पास में 8 फरियादी है, मगर जो इसका रिकॉर्ड है उसके आधार पर इसने लगभग काफ़ी लोगों से ट्रांजेक्शन किया है। अराउंड 1000 के आसपास लोग होंगे जिनके साथ इस तरीके से ट्रांजेक्शन किया हुआ है, और जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड के आधार पर अगर देखा जाए कि कितना पैसे का ट्रांजेक्शन है, तो पिछले 6 महीने के अंदर 4 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन हुआ है। शिकायत करते हुए बताया